न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नामपल्ली में SPEO और ACB मुकदमा से मुतालिक अदालत के एडिशनल स्पेशल जज ने TRA सरकार ने असम्बली को खरीदने की कोशिश से मुतालिक केस में BJP के 3 मुबैना एजेंट्स की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मरकजी वजीर सयाद किशन रेड्डी ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों से मुतालिक 1991 के कानून की चंद दफात को चैलेंज करते हुए दायर की गई अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकजी हुकूमत को दी गई मोहलत में तौसी की है। आज सभी साबिक वजीर आजम जवाहर लाल नेहरू का योम पैदाइश योम अतफाल के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनके योम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। ट्विटर पर एक पैगाम में वजीर आजम ने मुल्क के लिए पंडित नेहरू की खिदमात को याद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हर नई नस्ल नए इम्कानात और नए ख्वाब लाती है, क्योंकि नया दौर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के इनकलाब का दौर है। सदर जमहूरिया आज राष्ट्रपति भवन में यौम अतफाल के मौके पर तलबा से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी के शेदाई और इल्म और मालूमात इनकी उंगलियों पर है। को खुश देख करके समाज खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे, देश भी प्राउड, देश भी गौरवान्वित होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मरकजी ममलिकती वजीर पंचायत राज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ग्राम पंचायतों में पायदार तरक्की के मकसद के हुसूल के लिए तमाम मुतालिका अफराद की जानिब से ठोस कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आज कोची में पायदार तरक्की के मकासद को मकामी बनाने के अनवान पर एक 3 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने पंचायतों की आमदनी में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो माली एतबार से मुनासिर ना हों। सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों से मुतालिक सन 1991 के कानून की चंद दफात को चैलेंज करते हुए दायर की गई अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकजी हुकूमत को दी गई मोहलत में तौसी की है। इस कानून की इन दफात के तहत इबादतगाहों के 15 अगस्त 1947 के मौकफ़ में तब्दीली लाने यानी इबादतगाहों पर तावे के मुकदमात का दायर करना मना है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदेवाला ने मरकज से कहा है कि वह आइंदा महीने की 12 तारीख तक हलफनामा दायर करे। अदालत ने इस मुकदमे की समाअत आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस केस में हलफनामा दाखिल करने के लिए मज़ीद मोहलत मांगी, जिसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट ने दिल्ली हुकूमत की मनसूख शुदा एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के सिलसिले में जारी तहकीकात के तहत आम आदमी पार्टी के इंचार्ज बराए मवासिलात विजय नायक और हैदराबाद के ताजिर अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन के इल्ज़ाम के बाद दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी मनसूख कर दी गई थी। इन दोनों को इसी केस में CBI ने गिरफ्तार किया था और वह इस वक्त अदालती तहवील में हैं। सीनियर IAS अहदेदार गौरव देवीदी को प्रसार भारती का नया CEO मुकर्रर किया गया है। 1995 की बैच के अहदेदार देवीदी की मियाद 5 साल होगी। वह इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत में मई गवर्नमेंट के CEO है। हैदराबाद के रागड्डा में तामीर किए गए फुट ओवर ब्रिज का आज इफ्तिताह अमल में आया। सड़क को अबूर करने वाले पैदल राहगीरों की सहूलत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यह फुट ओवर ब्रिज 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। मेयर विजयलक्ष्मी ने इसका आज इफ्तिताह किया। ये ROB एलिवेटर्स और एस्केलेटर से लैस है ताकि मर अफराद और माजूरीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सके। मेयर ने कहा कि पैदल राहगीरों के लिए अब तक जुमला 8 FOB तामीर किए गए हैं और मज़ीद ऐसी सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी सरुनास यादव और MLC MS प्रभाकर राव और दूसरे मौजूद थे। Go, 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 go.
నాలాల వర్కులు మరి జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అభివృద్ధి పనులు అంటే పెరుగుతున్న జనాభా కొలది మీరు చూసినట్లయితే మౌలిక సదుపాయాలు మనం కలిగించాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఎన్నో కోట్లు మనం మన గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడతా ఉంది అదే విధంగా ఈ రోజు 38 ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు తీసుకుంటే 8 కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇంకా త్వరలోనే తొందరగా మేము వేరే కూడా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాము అన్ని ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు కాకుండా దీనికి ఒక ప్రఖ్యాత ఉంది ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఒక ఎస్కలేటర్ ఉంది ఒక లిఫ్ట్ ఉంది మళ్ళీ స్టేర్ వే ఉంది సో ఇవన్నీ సదుపాయాలతో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మరీ రద్దీ ఈ ఏరియా ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ కానివ్వండి కాలేజెస్ కానివ్వండి స్కూల్స్ కానివ్వండి ఎన్నో వీటికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది పెడెస్ట్రియన్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం ఈరోజు ఈ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది తొందరలోనే మేము వేరే ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కూడా అందుబాటులో తేబోతున్నాం तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णा को आज दिल का दौरा पड़ने पर हैदराबाद के एक दवाखाने में शरीक किया गया। वो कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा को रात 1:15 पर हॉस्पिटल के इमरजेंसी महकमे में लाया गया। डॉक्टरों ने इन पर CPR किया और 20 मिनट के अंदर वो दिल के दौरे की कैफियत से बाहर आ गए। इन्हें बाद में ICU में मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर ग्रुएन रेड्डी ने बताया कि कृष्णा की हालत नाजुक है और वह वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि अदाकार की हालत के बारे में इनके अरकान खानदान को इत्तला दे दी गई है। డాక్టర్స్ అందరూ కూడా నా కుడి పక్కన కార్డియాలజిస్ట్ రాజరావు క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ వేరే డాక్టర్ అందరూ కూడా ఆయనను ఫాలో చేస్తున్నాము సో ప్రస్తుతానికి ఈ అవుట్కమ్ ఏందో అని చెప్పలేము సో వాటికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఏమి అంతా కూడా ఇస్తున్నాము అంటే ఇస్తాను కూడా చేస్తున్నాము సో నెక్స్ట్ 24 అవర్స్లో మనకు ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేసి మనం తెలుసుకుంటాం జరుగుతూనే ఉంటాయి శరీరం సహకరిస్తుందా లేదా అన్నది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం కానీ చేయాల్సినవి అన్నీ అంతర్జాతీయ హాస్పిటల్స్లో జరిగే చికిత్స కూడా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో ఆయనకి అందిస్తున్నాము మనందరూ ఆయన్ని ప్రార్థిద్దాం ఆయన బాగుపడాలని ప్రార్థిద్దాం కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఏంటి అంటే ఈ రోజుల్లో మీరు పత్రికల్లో చదువుతున్నట్టుగా సడన్గా ఫస్ట్ టైం విషయం కాదు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం మంచిది క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఉన్నారు ఓకే సార్ అదే టుమారో 11:00 ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దాని మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ క్రిటికల్ స్టేట్లో ఉన్నప్పటికీ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్లో ఇద్దరు డాక్టర్స్ కలిసి కాన్ఫరెన్స్ చేసుకొని ఆయనకు బెస్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ని అందజేస్తాం ఏ టైం తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ BJP के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने इनकी सिक्योरिटी के लिए नाकिस गाड़ी फ्राहम करने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस हकीकत के बावजूद कि इन्हें दहशत गर्दों से ख़तरा लाहिक है हुकूमत ने ऐसी गाड़ी फ्राहम की जो अच्छी हालत में नहीं है। अफजलगंज के इलाके में गाड़ी के फेल हो जाने के बाद राजा सिंह ने अपनी शख्सी गाड़ी को तलब किया। गोशा महल के रुकन असम्बली ने एक अहदेदार से बात करके अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मशवरे पर रियासती इंटेलिजेंस ने इन्हें ज़िंदगी के ख़तरे को लायक पेश नज़र एक बुलेट प्रूफ गाड़ी फ्राहम की थी। रुकन असम्बली ने कहा कि 4 महीने कबल ये गाड़ी फेल हो गई थी और जब उन्होंने इसे इंटेलिजेंस के दफ्तर को भेजा तो उन्होंने गाड़ी की मरम्मत की इसे दोबारा उनके पास भेजा। చెడు
नामपल्ली में एसपीई और एसीबी मुकदमा से मुतालिक अदालत के एडिशनल स्पेशल जज ने टीआरएस अरकान असेंबली को ख़रीदने की कोशिश से मुतालिक केस में बीजेपी के 3 मुबैना एजेंट्स की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हैदराबाद के नंदकुमार, फरीदाबाद के स्वामी रामचंद्र भारती और तिरुपति के सुमाया जोलू को गुज़िश्ता महीने मोइनाबाद पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को बीजेपी में शामिल होने के लिए लालच दे रहे थे। दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान रियासती हुकूमत के वकील ने दलील पेश की कि तहकीकात इब्तदाई मरहले में है और अगर मुल्ज़िमीन को जमानत दी गई तो वह सबूत मिटा सकते हैं और गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। ये दोनों मुल्ज़िमीन इस वक्त अदालती तहवील में हैं और चंचलगुड़ा जेल में कैद हैं। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो इस ट्रेन को तिरुपति तक तोसी दी जाएगी। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तज़ईन नौ के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि इस स्टेशन की मुकम्मल तौर पर जदीदकारी की जाएगी और इससे मुसाफिरों की ज़रूरियात पूरी होंगी। उन्होंने रेलवे के हुकाम को हिदायत दी कि वह 3 साल में इस काम को मुकम्मल कर ले। उन्होंने मज़ीद कहा कि चल्लापल्ली में नया टर्मिनल स्टेशन 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजी का हसूल कतई मरहले में है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 1874 निर्माण जो दी पूर्ति स्थाई पात भवन स्थान मरी कवन रेलवे बिल्डिंग निर्माण स्टेशन बिल्डिंग निर्माण चेयलनी भारत प्रभुत्व निर्णय तीसुकोवडं जरिगिंदी। दीनि कोसमु 719 कोट्ल 30 लक्षल रूपायलु मंजूर चेयडं जरिगिंदी। इदी दीनिकि संबंधिंचि टेंडर कूडा डीपीआर पूर्तयिपोयिंदि। डीपीआर नु रेलवे बोर्ड मंजूर चेयडं जरिगिंदी। अदे विधंगा टेंडर कूडा फाइनलाइज चेयडं जरिगिंदी। इप्पुडु साइल टेस्ट जरुगुता उंदि। अदे विधंगा आर्किटेक्चर प्लानिंग डिजाइनिंग वर्क चाला वेगवंतंगा एजेंसीलु निर्वहिस्ता उन्नाई। रोटीनु पात पद्धतिलो काकुंडा आधुनिकमैनटुवंटि सौकर्यालु आधुनिकमैनटुवंटि मरी आर्किटेक्चर आधुनिकमैनटुवंटि टेक्नालजी विकलांगुलतो सहा प्रति ओक्करि कूडा अंदरिकी उपयोगपडेटुवंटि नूतन रैल्वे स्टेशन नु इक्कड निर्माणं चेसुकुंटुन्नाम। इप्पुडु ई रैल्वे स्टेशन लो మనకు 28285 స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఇక్కడ నిర్మాణంలో ఉన్నది। దాన్ని మరి 165566 స్క్వేర్ ఫీట్స్ గా యొక్క దీన్ని ज्ञानवापी इहाते में मुसलमानों का दाखिला ممنوع قرار دینے سے متعلق عرضی پر فیصلہ 17 نومبر کو ہوگا। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीर की रोज़ समाअत हुई। बाद अज़ां सिविल जज सीनियर डिवीज़न महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने इस पर फैसले को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल हिंदू फरीक की तरफ से दाखिल अर्जी में 4 मुतालबात किए गए हैं जिनमें से एक है ज्ञानवापी इहाते में मुसलमानों का दाखिला ममनू करार दिया जाए। 17 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी कि यह अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। जलजले ने फिर लोगों में फैलाई दहशत। आज अमृतसर, प्रयागराज और सिंगरौली में महसूस किए गए झटके। गुज़िश्ता कुछ दिनों में महसूस किए गए कई जलजलों के झटकों ने लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। पीर के रोज़ फिर जलजला महसूस किया गया और फिर ये अलग अलग अवकात में हिंदुस्तान के 3 मकाम पर देखने को मिला। सबसे पहले पीर की सुबह तकरीबन 3:42 पर पंजाब के अमृतसर में जलजले के झटके महसूस किए गए। फिर पीर की दोपहर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जलजले का झटका महसूस हुआ और इसी वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी जलजला आया। गुजरात असम्बली इंतखाबात। कांग्रेस ने 42 सीटों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर की एक
स्पेशल टीम तैयार की। गुजरात असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करने के लिए सभी सियासी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में कुछ सीटों से पीछे रहने वाली कांग्रेस की तैयारी इस बार ज़ोरदार है। पार्टी ने गुजरात के इख्तदार में वापसी के लिए 42 लीडरों पर मुश्तमिल एक स्पेशल टीम तैयार की है। इसके लिए कांग्रेस ने 5 बड़े लीडरों को जोनल ऑब्जर्वर बनाया है, जबकि 32 लीडरों को लोकसभा ऑब्जर्वर और 5 लीडरों को एडिशनल ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। गुजरात फसादात के मुजरिम की बेटी बीजेपी उम्मीदवार, इंतखाबी मुहिम में मदद कर रहा है वालिद। गुजरात असेंबली इंतखाबात 2022 में हुक्मरान बीजेपी ने नरोदा सीट से नरोदा पाटिया कत्ल आम केस के एक मुजरिम की बेटी पायल कुकरानी को मैदान में उतार कर तनाज़े को हवा दी है। NDTV की जानकारी मिली है कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मनोज कुकरानी अपनी बेटी की इंतखाबी मुहिम चलाने में मदद कर रहे हैं। कुकरानी 2015 से ज़मानत पर बाहर हैं। इससे पहले बीजेपी ने चंद्र सिंह रावल जी को गोधरा असेंबली हलके से मैदान में उतार कर तनाज़ा खड़ा कर दिया था। रावल जी ने बिलखीज बानो केस के मुजरिमों को महज़ब ब्राह्मण करार दिया था और वो गुजरात हुकूमत की कमेटी का हिस्सा थे जिसने उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिमों की रिहाई को मंजूरी दी थी। हिंदू दोस्त के साथ पहुंचे थे झारखंड के 2 मुस्लिम नौजवान, आज IB करेगी पूछगछ। अजमेर शरीफ जाने से पहले झारखंड के 2 मुस्लिम नौजवानों को एक हिंदू दोस्त के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम जाना महंगा पड़ गया। विश्वनाथ धाम की अंदरूनी सिक्योरिटी की कमान करने वाले CRPF अफसर ने जब ज्ञानवापी वाक़े की वजह से 2 मुस्लिम नौजवानों पर शक किया तो उनके साथ एक दोस्त के साथ पूछगछ की गई। तीनों से कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला है। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की टीम इनसे पूछगछ करेगी। इसके बाद इनसे मुतालिक मज़ीद फैसला किया जाएगा। इतवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के करीब अकीदतमंद दर्शन पूजा के लिए जा रहे थे। झारखंड के गिरिडीह ज़िले का एक हिंदू नौजवान भी अपने 2 मुसलमान दोस्तों के साथ धाम के इलाके में दाखिल हुए। CRPF के एक सब इंस्पेक्टर को हिंदू नौजवानों के 2 दोस्तों पर शक हुआ क्योंकि इनके गले में सब्ज रंग का गमछा था। CRPF के सब इंस्पेक्टर ने तीनों को रोक कर चौक थाने की पुलिस को तला दी। पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस ने तीनों को चौक थाने लाकर पूछगछ की। कश्मीरी पंडितों का सियासी इस्तेहसाल कर रही है BJP। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन भी BJP के इशारों पर काम कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के सदर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के दर्द का सियासी इस्तेहसाल करती आई है और महज सियासी मफादात की गर्ज से कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को उभारा जा रहा है। अनंतनाग के कोहरम इलाके का दौरा करने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन एक लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर जम्मू में इत्तेजादी धरने पर हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर में हालात साजगार होने तक इन्हें आर्जी तौर पर जम्मू में मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर नौकरियाँ करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बजाय इनके मसाइल सुलझाने के BJP महज अपने वोटों की खातिर कश्मीरी पंडितों का इस्तेहसाल कर रही है और आज कश्मीरी पंडित BJP के लिए सिर्फ वोट बैंक बन कर रह गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बारे में वो लाइल्म हैं क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कि BJP कब यहाँ पर इंतखाबात कराने के हक़ में होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का हतमी फ़ैसला अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, लेकिन ये इंतखाबात तब होंगे जब BJP चाहेगी, क्योंकि इंतखाबी कमीशन भी BJP के इशारों पर काम कर रही है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनी पर स्टेट GST अहदेदारों के धावे। BJP लीडर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनी पर धावे मुनज़्ज़म किए गए। हैदराबाद के MLA कॉलोनी में वाक़ सुशी इन्फ्रा में स्टेट GST हुकाम ने ये धावे किए। 3 घंटे से तलाशी जारी है। रियासत भर में सुशी इन्फ्रा के साथ साथ दीगर मकाम पर धावे का काम जारी है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि रियासती GST के तहत वाजिब उलादा टैक्स चोरी किए हैं। कोमट रेड्डी संकीरत रेड्डी जो राजगोपाल रेड्डी के बेटे हैं सुशी इन्फ्रा के MD है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट हलके में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। आज सुबह नई CC रोड बॉक्स ड्रेनेज SWG
ड्रेन लाइनों का तरक्याती कामों का अफ्तताह। हल्के असम्बली मलकपेट के तहत मुसाराम बाग डिवीज़न में कादर क्लिनिक के करीब साई नगर कॉलोनी फेस वन नशना लाइन मुसाराम बाग डिवीज़न में रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाना ने किया। इस मौके पर GHMC MHWS एंड SBSPDCL महकमों के तमाम अफसरान और दीगर कारपोरेटर्स और MIM के सीनियर कायदीन के अलावा एक्टिव मेम्बरान भी मौजूद थे। साइज जरा हटा, मैं मत बदला लो भाई भाई एक लाइन। आदिलाबाद ज़िले के मकीनों में इस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब एक लारी ड्राइवर ने सड़क पर चार शेरों को देखा और जंगली बिल्लियों के लम्हात को मोबाइल कैमरे के जरिए कैद कर लिया। ज़राए के मुताबिक इतवार की रात भीमपुर मंडल के तमसी के गांव के मुजाफात में पिपल कोटी रिजर्वायर के करीब एक टिप्पर ड्राइवर ने चार शेरों को देखा। इत्तला मिलने के बाद महकमा जंगलात के अहलकार मौके पर पहुँचे और शेरों के पंजों के निशानों की निशानदेही की। एहलकारों ने गाँव वालों को खबरदार किया और घरों से बाहर निकलते वक्त चौकन्ना रहने को कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आसपास के गाँव वालों में खौफ हरास फैल गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग, तीन हलाक। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया। ताज़ा मामला अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में तीन अफराद की मौत हो गई और दीगर दो के ज़ख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। यहाँ मौसूल इत्तला के मुताबिक एक शख्स ने अचानक ये फायरिंग शुरू कर दी। मुजरिम ने ऐसा क्यों किया, इस सिलसिले में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस के हवाले से इत्तला ज़रूर सामने आई है कि मुजरिम शख्स UVA फुटबॉल टीम का साबिक खिलाड़ी है। इसी ने इतवार को अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। दुबई करामा में शालीमार रेस्टोरेंट की नई ब्रांच का इफ्तिताह राशिद खान और शफी खान ने किया। तकरीब में तमाम VVIPs ने शिरकत की, जिसमें अकबर बिन तबर ने अपने कॉमेडी करके माहौल को खुशगवार बना दिया। इसके अलावा राशिद खान के वालिद राहिल खान ने होटल की अच्छी तरह से तज़ाइन व आरइश करवाई। शेफ नदीम ने मज़ेदार खाना तैयार किया। मेहमान खसूसी में अब्दुल रशीद खान, अब्दुल साजिद खान, ज़हीर खान, अब्दुल खलील खान, शफीक मुहीद्दीन, अब्दुल जावेद खान, अब्दुल रहील खान, आमिर खान, सोहेल खान, मोहम्मद नदीम, मुजफ्फर भाई, अकरम भाई, मिनहाज भाई, फौजी भाई, शायद अहमद, मीर शहबाज, खालू, सलीम भाई मुंबई भी मौजूद थे। करके बोलना, वाह क्या खिलाया रे। तो यहाँ पर खास तौर पे खिचड़ी खट्टा भी है, तो हर वो चीज जो हैदराबाद में आप लोग छोड़ के आए वो चीज यहाँ पर शालीमार दे रहा आपको, तो यहाँ पर पकड़ लीजिए आप बस। अल्हम्दुलिल्लाह, तो करामा बर्दुबई शालीमार होटल, आपको नीचे एड्रेस भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, आइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए,
बेहतरीन चीख मार बिरयानी अल्लाह का करम है, शालीमार की बिरयानी गरम है, धूम मचा ले, रंग जमा ले, या बाबा अल्लाह वाले, अरे दीवाने करामा के तो नहीं वाले बिरयानी खा ले। थैंक यू सो मच रशीद भाई, थैंक यू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम, देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।